आप रख सकते हैं, कई पौधे उगाए गए, चंदन का पेड़। अच्छा, तीन पौधे हैं और तीनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ की जलवायु उसको लगता है। ओह गुड, इसका भी देखिए अच्छा ग्रोथ है। ये देखिए ये किले फोड़े हुए हैं, कितना बेहतरीन, और इसे लगता है जलवायु सूट कर रही है, जलवायु सूट कर रही है। और मिट्टी आपने इसकी बनाई हुई है, एक फुट खोद के आपने गोबर सब मिला कर डाला हुआ है इसमें। ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि ये बुंदेलखंड में ये नहीं होता है। देखिए बुंदेलखंड जो है तो एक ऐसा क्लाइमेट है जी, जहाँ हर प्रकार का क्लाइमेट होता है जी, गर्म भी है यहाँ, ठंडा भी इलाका है जी। तो इसमें अगर हम लोग मेहनत करें जी तो बुंदेलखंड में सोना उगाया जा सकता है। वाह, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। तो देखिए आपने इतना अच्छा ये यहाँ पे चंदन का पेड़ उगा लिया है। हमारे गांव से 17 किलोमीटर दूर जी एक किसान ने केसर उगाई। केसर, केसर तो उगती है ये कश्मीर में, मगर यहाँ केसर उगाई गई। अच्छा, तो बहुत ही एक विस्मय और बड़ा ही कौतूहल का विषय है। बस इसीलिए कहते हैं बुंदेलखंड की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, इसमें केवल मेहनत और लगन की जरूरत है। और डॉक्टर साहब ये डॉक्टर गंगा सागर त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने देखिए बताया कितना अच्छा ये चंदन जो पेड़ है जी, ये मलियागिर नाम का चंदन है जो सबसे अच्छा चंदन माना जाता है। अच्छा, ये कौन सा बताया आपने, फिर से बताइए। मलियागिर, मलियागिर। इसके देखिए पत्ते बहुत अच्छे, ये अच्छा ये पत्ते जैसे होते ही हैं, इसके पत्ते से कुछ इमली के पेड़ जैसे हैं इसके। जी जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आपने हमको बताया, देखिए कितना बेहतरीन।